हिंगनगढ़ शहर में कल हुए अपराधी घटना का वीडियो बड़े प्रमाण में सोशल मीडिया में वायरल होते दिख रहा है। इस वक्त पुलिस की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह निर्माण होते दिखता है। संबंधित घटनाक्रम में पुलिस उप निरीक्षक दीपेश ठाकरे ने जो भूमिका निभाई उसे भी नकारा नहीं जा सकता है। उनके रहते आरोपियों को उसी वक्त धर दबोच लिया गया। घटना के सभी आरोपियों को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया था। उस वक्त को मारपीट करने वाले आरोपियों को दौड़ लगा के पुलिस उप निरीक्षक ने धर दबोचा था। साथी को मारपीट होते देख उसे बचाने के दिनेश दानो को अस्पताल में भी पुलिस नहीं पहुंचा। साथी को मारपीट होते देख वहां पहुंचे दिनेश दानो ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो इन चारों ने पावड़ी से उसे मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। थाने में की गई शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आदर्श गुरु कुलायत, कुणाल राजुरकर, सागर यादव, सोनू सोनकुसरे के खिलाफ धारा 326-34 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जाँच पुलिस निरीक्षक संपत चव्हाण के मार्गदर्शन में PSR दीपेश ठाकरे कर रहे हैं। काल सकाळी 9:30 दरम्यान चिंगणघाट शहरात बस स्टँडच्या जवळ दत्त मंदिर आहे त्या ठिकाणी रस्त्यावरच 4 इसमांनी एका इसमास फावड्यानं आणि लाथाबुक्क्याने दगडगोट्याने गंभीर जखमी केलं होतं। त्या दरम्यान सदर घटनेदरम्यान चिंगणघाट पोलिसांचे PSI ठाकरे या ठिकाणाहून जात होते। त्यांनी ती घटने पाहिली आणि तत्काळ त्या घटनेची दखल घेऊन त्यांनी तत्काळ आरोपींचा धाडसानं पाठलाग करून त्यापैकी 2 आरोपींना त्यांनी ताब्यात घेतलं आणि पोलिसाला माहिती दिल्यानंतर त्या ठिकाणी आम्ही आमची इतर टीम रवाना केली आणि उरलेल्या 2 आरोपींना तात्काळ आम्ही ताब्यात घेतलं आणि घटनेची सविस्तर माहिती घेऊन त्या घटनेच्या अनुषंगाने गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। या 4 आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांना सदर गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्यांना आज रोजी न्यायालयात पेश करणार आहोत। अशा प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारांवर अतिशय कडक भूमिका आम्ही यापुढे घेणार आहोत आणि हिंगणघाट शहरात अशा प्रकारचे गुन्हे घडणार नाहीत यावर आम्ही प्रतिबंधात्मक अशी उपाययोजना करणार आहोत। मिशन न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येरुळकर की रिपोर्ट।